जवानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रह गई तो ये जवानी फिर कहाँ। ये चंद लाइनें हैं इस्माइल मरेठी साहब जी की, और इस्माइल मरेठी साहब जी की इन लाइनों का जिक्र मैंने यहाँ इसलिए किया, या इस्माइल मरेठी साहब जी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जिस साहित्यकार के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस साहित्यकार से इन चंद लाइनों का और इस्माइल मरेठी साहब जी का बहुत ही गहरा नाता है। ये साहित्यकार इस्माइल मरेठी साहब जी को अपना गुरु माना करते थे, और इन्हीं चंद लाइनों ने आने वाले भविष्य के भारत के हिंदी साहित्य के यात्रा वृत्तांत के पितामह और जनक को जन्म दे दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल संक्रत्यायन जी की। राहुल संक्रत्यायन जी को हिंदी साहित्य में हिंदी यात्रा वृत्तांत का जनक माना जाता है, और इनके घुमक्कड़ होने के पीछे भी कई सारी वजहें रही हैं, क्योंकि बचपन से ही इन्हें घुमक्कड़ी का शौक़ था, और बचपन में ही इन्हें ये शौक़ कैसे लगा इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल में आजमगढ़ ज़िले के पन्हा नामक गाँव में हुआ था, और इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बाद में चल के केदारनाथ पांडे जी ने अपना नाम राहुल रख लिया। और बचपन में जब इन्हें घुमक्कड़ी का शौक़ लगा तो उसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि इनके नाना जी रामशरण पाठक जी जो कि फ़ौज में थे और कर्नल साहब के अर्दली हुआ करते थे, कर्नल साहब के अर्दली होने की वजह से वो काफ़ी दूर दूर जंगलों में उनके साथ शिकार पर जाया करते थे, और जब वो शिकार से वापस लौटते तो छोटे केदारनाथ मतलब कि राहुल जी को उन जंगलों की और शिकार की कहानियाँ सुनाया करते थे। इन्हीं कहानियों ने छोटे से राहुल या केदार के मन में दुनिया देखने की लालसा को जगा दिया। ये तो अभी शुरुआत थी, पर जब राहुल जी दूसरा दर्जा पास करके तीसरे दर्जे में पहुँचे तो उनकी उर्दू की पाठ्य पुस्तक में उन्होंने एक शेर पढ़ा। ये वही शेर था इस्माइल मरेठी जी का कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रह गई तो जवानी फिर कहाँ। बस यहीं से राहुल जी का यायावारी जीवन शुरू हो गया। राहुल जी दुनिया घूमे, कई भाषाएं सीखी, कई संस्कृतियों को देखा और इन सब के बारे में लिखा। राहुल जी ने घुमक्कड़ी को धर्म बताया था, वो घुमक्कड़ी को धर्म मानते थे और कहते थे कि घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई भी हितकारी नहीं होता। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान बुद्ध को भी घुमक्कड़ बताया था, कहा था अगर वो घुमक्कड़ नहीं होते या उन्हें घूमने का शौक़ नहीं होता तो अपने ज्ञान का इस तरह से दुनिया के कई भागों में वो प्रचार नहीं कर पाते। हालांकि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वास्को डी गामा को घूमने का इतना शौक़ नहीं होता तो उस टाइम पे या उस समय पे उसने भारत की खोज न की होती, या फिर कोलंबस ने अमेरिका की खोज न की होती। तो जब भी आप लोगों को समय मिले राहुल जी को ज़रूर पढ़ें, और इन छुट्टियों में, खैर तो छुट्टियां ख़त्म हो गई बट फिर भी जब भी समय मिलता है कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएं। इससे आपको और लोगों को, दूसरों को या दूसरी जगहों को जानने का और समझने का अवसर मिलेगा, और ये आपके नॉलेज को बिल्डअप करेगा, नॉलेज को बढ़ाएगा। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो को बनाने के लिए, मुझे इंस्पायर किया अभिषेक शर्मा ने कथांकन टीम से और कहा कि भैया आपको ये वीडियो बनाना है। हालांकि ये मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो है जो मैंने बनाई है, पीछे मैंने अपनी बुक को लेके एक वीडियो बनाई थी, और अभी मैंने कथांकन के लिए अभिषेक के कहने पर ये वीडियो बनाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी अपना अपना अनुभव शेयर करें साहित्य को लेके, चाहे वो प्रेमचंद्र हों या जयशंकर प्रसाद जी हों, या फिर हमारे जॉन एलिया साहब हों या राहुल जी हों, कोई भी हो, उनके बारे में आप पढ़िए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए।